स्वागत है आप सभी लिसनर्स का हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ और शुरू हो चुका है आपका अपना ही खास कार्यक्रम एक मुलाकात। जी हाँ, एक मुलाकात कार्यक्रम में हम बहुत ही प्यारे मेहमानों को स्टूडियो में बुलाते हैं और उनकी जो बातें होती है ना, हमें वो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती हैं। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक नहीं बल्कि दो हैं, और हिमाचल प्रदेश का ये उभरता हुआ बैंड है। जी हाँ, पीयूष और जितेंद्र जी हमारे साथ हैं, बहुत सी बातें हम इनके साथ करने वाले हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू, थैंक यू। और कैसा लग रहा है आज आपको 90.4 एफएम के स्टूडियो में विजिट करके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सेटअप है आपका। अच्छा, आज बहुत सी बातें हमने आपके साथ करनी है, तो जो आपके बैंड का नाम है स्ट्रिंग एंड सॉल, थोड़ा उसके बारे में बताएं, ये मतलब क्या है इसका और कहाँ कैसे आपके जहन में आया ये नाम रखने का? एक्चुअली स्ट्रिंग्स एंड सोल, स्ट्रिंग्स तो गिटार से रिलेट करता है। बिल्कुल। और हम मानते हैं कि हमारा म्यूजिक बहुत सोलफुल, हम कोशिश भी करते हैं कि हमारा म्यूजिक बहुत सोलफुल हो, तो सोल वहाँ से है। बिल्कुल। तो स्ट्रिंग्स गिटार को रेक्टिफाई करता है और जो सोल है वो उसको इम्प्लाई करता है। बिल्कुल, ये बड़ा खूब आपने कहा है। और जितेंद्र भाई कहाँ से हैं आप? मैं राजगढ़ से हूँ, बेसिकली हम दोनों राजगढ़ से ही हैं। डबिंग वगैरह करते हैं आप? डबिंग तो नहीं करता, आवाज तो बहुत बेसी आवाज है, अंबिशोरी टाइप में। ये घबराहट है आपसे बात करने के लिए। नहीं नहीं, घबराहट ही बोलते हैं इसको, ये माशाल्लाह इतनी जबरदस्त आपकी आवाज है। कभी अच्छा डायलॉग वगैरह ट्राई किए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं काफी पहले से ही सिंगिंग में हूँ, यही कर रहा हूँ। अच्छा, और ये शायद रियाज करते करते ऐसा हो गया। हाँ, कुछ ऐसा लगता है, बाकी तो पता नहीं। अच्छा, और पीयूष भाई आपको कब लगा कि मुझे इसी फील्ड में आना चाहिए? वैसे तो बचपन से आइडेंटिफाई कर लिया था कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि बचपन में कुछ टूर्नामेंट्स, आपको बताया ना, हमारे टूर्नामेंट होते थे प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे। अच्छा, तो उस सब में पार्टिसिपेट करते थे। और फिर इधर उधर सब, जब आप सुनते हैं दो चार कुछ, तो आपको कई बार लगता है कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो बचपन में थोड़ा आइडिया लग गया था। फिर उसके बाद कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह पार्टिसिपेट करने का शौक था। करते 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 अब थोड़ा प्रोफेशनलिज्म की तरफ आ गए हैं। तो जब पेरेंट्स को ये सब चीज़ें बताई आपने, आप दोनों के लिए सवाल है, जब पेरेंट्स को ये चीज़ें बताई आपने कि हमें इस फील्ड में आगे आना है, क्या रिएक्शन था उनका? मेरे वालों का थोड़ा सा अजीब तो था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक से बिल्कुल भी नहीं था। मतलब जो पढ़ाई वगैरह थी वो म्यूजिक की नहीं थी। तो मैंने एमकॉम किया, और अब है तो अटपटी सी बात वैसे ही सबके लिए, फिर एकदम शफल किया, उसके बाद स्किप किया, फिर म्यूजिक में आया। पर घर वाले मान गए थे, समझ गए थे कि जब है करने लायक तो कर सकता है। बिल्कुल। और आपकी क्या स्टोरी थी? लगभग मिलती जुलती है। हाँ। मैंने भी मैनेजमेंट स्टडीज की है। अच्छा। और फिर थोड़ी टाइम जॉब भी की है। हाँ। बैंक में। अच्छा, बैंक में जॉब करने के बाद फिर लगा कि अब म्यूजिक में आना चाहिए। उसके बाद की थोड़ी ये स्टोरी है कि फिर मैं वापस आया, फिर अपने बिजनेस में थोड़ा टाइम दिया, होटल का बिजनेस शुरू किया। अच्छा। और फिर उसके बाद फिर ये डिसाइड किया कि अब फुल टाइम म्यूजिक करना है, तो कर रहे हैं। और अभी फुल टाइम म्यूजिक को दे रहे हैं? हाँ, तो फुल टाइम म्यूजिक। एकेडमी हुआ करती थी राजगढ़ में, स्ट्रिंग एंड सोल नाम से ही थी। अच्छा। तो लगभग दो एक साल चलाई मैंने वहाँ पर भी। उस टाइम अकेले चला रहे थे? हाँ, उस टाइम मैं अकेला ही था। अच्छा। तो भैया का भी इंटरेस्ट काफी था म्यूजिक में, हम वैसे ही बैठते रहते थे। अच्छा। तो हुआ कुछ यूँ कि हम, अच्छा, लिखने का शौक था। अच्छा। काफी टाइम से हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। तो मेरा कुछ अटक गया था। अच्छा। कुछ चीजें थी जो लिखी हुई थी वो अटक गई थी। क्या बात है। तो लगभग महीना दो महीना वो एक दो लाइन ही मेरे दिमाग में थी। हमारा पहला गाना था देवों की धरती। हाँ जी, तो शुरू की दो लाइनें वो अटकी हुई थी, वही उतना ही कंपोज कर पा रहा था, उतना ही लिखा हुआ था मैंने। अच्छा, बोल नहीं पा रहा था किसी के पास भी। फिर एक दिन ये आया, फिर वैसे अब म्यूजिकली अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी थी दोनों की आपस में ना, तो फिर मैंने इनसे डिस्कस कर लिया। ये तो जनाब निकले, कहानी निकली, इन्होंने ओवरनाइट गाना लिख दिया पूरा, और अगले दिन रोते रोते मेरे पास आए कि भाई जाओ, ये तो हो गया बस अब। ये तो भूमि जो गाना है ना यार, उसकी जो स्टोरी है बहुत इमोशनल है। कैसे एक लड़का घर से बाहर आता है, फिर वो बीमारी के चलते अपनी जान भी गवा देता है। दोनों की केमिस्ट्री कैसे बनी कि यार इस गाने को करना चाहिए? एक्चुअली वो तो जो आप स्टोरी बता रहे हो वो हमने वीडियो में पोर्ट्रे की है, बट इस गाने को बनाने का और इसके पीछे लिखने का जो मकसद था वो ये था कि हम सभी लोग अपने किसी ना किसी समय पे घरों से बाहर रहते हैं। बिल्कुल। गांव छोड़ के
है ना, रोजी रोटी की तलाश में, अपने पैशन की तलाश में घर से निकलना ही पड़ता है. बिल्कुल. क्योंकि इतनी सुख सुविधाएं हमारे घरों में गांव में शायद नहीं होती कि हम अपनी लाइफ को प्रॉस्पेरिटी से वहां जी सकते. बिल्कुल. तो इसी थॉट को लेके गाना लिखा गया था कि हम जब बाहर जाते हैं तो हमारे को किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है. घर को कैसे मिस करते हैं, अपने माँ बाप को मिस करते हैं, गाँव को मिस करते हैं, गलियों को मिस करते हैं, फ्रेंड्स को मिस करते हैं. तो उस थॉट को लेके देवों की धरती गाना हमने लगभग पूरा लिखा था, फिर कंपोज किया और बहुत अच्छे रिव्यूज. मतलब मैं आपको सही बता रहा हूँ नील भाई, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे म्यूजिक में कि हम फेक व्यूज गैदर कर लें, है ना, या हम ऑर्गेनिकली सारा काम कर रहे हैं. और जितने लोगों ने आज तक वो गाना सुना है उनको वो बहुत पसंद आया. अच्छा. और इसी में हम अपनी सफलता मानते हैं. नहीं, बहुत अच्छा गाना है पीयूष भैया आपका, क्योंकि आपने ना आम इंसान के इमोशंस उस गाने के साथ जोड़े हैं. मतलब एक बार उस वीडियो को, गाने को आप सुनेंगे ना तो मतलब पूरा देख के ही हटेंगे आप उसको. उसकी स्टोरी जिस तरह आपने अपने गानों से, अपने शब्दों के माध्यम से बयां की है वो जबरदस्त है. अच्छा, एक सवाल अटपटा सा है मेरे से, कभी फ्रस्ट्रेशन हुई है इसी फील्ड को लेके? हाँ, हर दूसरे दिन होती है. क्यों, ऐसा क्यों? देखो, किसी भी चीज का फ्यूचर ना डेफिनेट नहीं होता. एग्जैक्टली. आपको नहीं पता है आपके साथ क्या होने वाला है. बस फ्रस्ट्रेशन तो ऑब्वियसली बात है, ह्यूमन नेचर है हमारा, हमारे साथ होगा ही होगा. कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती है. तो बस ठीक है, धीरे धीरे ओवरकम करते रहते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ओवरकम करते रहते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. बस यही तो लाइफ है, ये तो चलती रहेगी हमेशा. आदमी सक्सेसफुल जितना मर्जी हो जाए, फ्रस्ट्रेशन तो हमेशा साथ रहेगी. बिल्कुल. तो जितेंद्र भाई का कहने का मतलब ये कि आपके पास सब्स्टिट्यूट होना चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए, पर साथ साथ ये भी है कि जिस पैशन को आप फॉलो कर रहे हैं अगर उसमें फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है ना तो उसका भी मजा है. बिल्कुल. आप अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो आप नहीं करना चाहते और उसमें आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ना, तो वो फिर डिप्रेशन के लिए वो तैयार है मामला. ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है. मतलब कहीं ना कहीं हम सब, क्योंकि हम म्यूजिक से रिलेटेड फील्ड की बात कर रहे हैं, हम दोनों म्यूजिक को समझते हैं, म्यूजिक ही कर रहे हैं. अगर उसमें किसी दिन हमें असफलता भी मिलती है ना तो हमें लगेगा यार कि कोई बात नहीं, होता रहता है. पर अगर हम कुछ फोर्स्ड वे में ऐसा कर रहे हैं जो हम नहीं करना चाहते और उसमें असफलता मिल गई ना तो हम टूट जाएंगे. जी, हमारे व्यूवर्स ये सोच रहे होंगे कि भाई अभी तक ये अनिल इनसे सवाल ही पूछा जा रहा है, अभी कुछ परफॉर्मेंस नहीं हुई भाइयों की ओर से, तो वही हो जाए फिर देवों की भूमि से कुछ. देवों की धरती मेरी जन्मभूमि, तुझको मेरा प्रणाम. है देवों की धरती मेरी जन्मभूमि, तुझको मेरा प्रणाम. है तुझको ही अर्पित, तुझको समर्पित मेरे ये जीवन अपना. है देवों की धरती मेरी जन्मभूमि, तुझको मेरा प्रणाम. अच्छा अनिल भाई, एक जब हम लोग घरों से बाहर होते हैं ना और किसी की याद आए ना, माँ की याद. एग्जैक्टली, माँ की याद तो आती है, और आती है माँ के हाथ का खाना. बिल्कुल. अच्छा, बहन की याद आती है. वो अम्मा के हाथों की चूल्हे की रोटी, बहना के हाथों से पानी. गांव की गलियों के फूलों से किस्से, मेरी वो प्रेम कहानी. अंतिम क्षणों में मुझको पुकारो, न ढल जाए जीवन की शाम. है देवों की धरती मेरी जन्मभूमि, तुझको मेरा प्रणाम. क्या बात है भाई, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए. मतलब माशाल्लाह, इतना जबरदस्त आपने लिखा है. और आजकल तो पायरेसी बहुत है, मतलब कॉपी बहुत होती है. इतने जबरदस्त लिरिक्स आपने निकाले. एक थॉट को लेके आप चल रहे हैं तो कुछ और कुछ. मैं सही बताऊं आपको, हम शायद इतने सक्षम नहीं होते, तो ये ईश्वरीय कृपा. मैं उसको बोल रहा हूँ कि जब तक ऊपर से नहीं आता ना तब तक वो कलम नहीं उतरता. अगर वो ऊपर से आ गया तो वो बस एक यूरेका मोमेंट होता है कि हाँ आ गया तो हो गया.
अच्छा, कभी किसी को इन्फ्लुएंस हो के आपने सोचा कि नहीं इसने ऐसा गाया है तो हम भी ऐसा करेंगे, इसने ऐसे लिखा है? ये हम कभी नहीं इस तरह का कभी ऐसा हुआ होता है? आजकल का टाइम ही ऐसा है कॉपी पेस्ट वाला, बहुत इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे। पर हम लोग कोशिश करते हैं जितना किसी को कॉपी ना करने की, हमारा यही रहता है कि जितना नेचुरल है हमारे अंदर हम उसी को ही पॉलिश करके उसी को ही फाइनल बना के आगे पेश करते हैं। अच्छा, आप ही की तरफ बहुत से ऐसे युवा साथी हैं हमारे जो सिंगिंग में आना चाहते हैं, अपना करियर वो देखते हैं, तो क्या कुछ टिप्स हैं उनके लिए आपकी ओर से? एक तो अनिल भाई, मैं बोलना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का जब से उदय हुआ है ना, तो सबके लिए एक प्लेटफॉर्म में ना एक डेमोक्रेटाइजेशन आ चुकी है। Exactly. सबके लिए बराबरी का प्लेटफॉर्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कुछ बंदा उसमें टैलेंट है और वो अचीव ना कर पाए ना, तो शायद वो उसी की नालायकी है। बिल्कुल। क्योंकि वो प्लेटफॉर्म सबको बराबर का मौका दे रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप में टैलेंट है तो पहले तो उसको पॉलिश कीजिए। एग्जैक्टली। जब आपको लगे कि हाँ अब ये टैलेंट उस लेवल पे आ चुका है कि हम लोगों के सामने इसको पोर्ट्रे कर सकते हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी ओरिजिनल चीजें डालनी शुरू कीजिए। बिल्कुल। और जैसे ही आप वो करेंगे तो मेरा मानना है कि आज नहीं तो कल, एक नहीं तो दो साल में, दो नहीं तो तीन साल में लोगों तक वो चीजें रेजोनेट करेंगी। वो ही लेके हम दोनों भी चल रहे हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो कुछ क्लिक करेगी। बिल्कुल, हमेशा आपकी बातों से ये झलक रहा है कि पेशेंस रखना है। पेशेंस आप रखेंगे तो जरूर एक दिन कामयाब होंगे। और कहते हैं ना पीयूष भाई, आपसे सवाल है कि कोई चाहे जितने मुझे टैलेंटेड क्यों नहीं होगा, एक फोबिया रहता है उसमें, स्टेज फोबिया, आप में सबसे पहले कब आया था वो और ख़त्म कब हुआ? स्टेज का फोबिया तो देखो रहता ही है, आप किसी भी नई स्टेज पे जा रहे हैं, नई जगह जा रहे हैं, तो एक वो मोमेंट रहता है ना कि थोड़ा अंडर प्रेशर है और वो थोड़ा जिटर, पेट में बटरफ्लाई वाला वो फीलिंग तो हमेशा रहती है। तो आप जितने भी बड़े स्टेज पे चले जाएं हमेशा रहेगी। हाँ, बट समय के साथ, क्योंकि जैसे जैसे आपको अपने क्राफ्ट पे कॉन्फिडेंस आता है ना, तो वो कम हो जाता है, पता है कि हम कर जाएंगे। हाँ, पर शुरू शुरू में बचपन में हाँ थोड़ी टांगे तो सबकी कांपती है ना, डर तो सबको लगता है, पर ये है कि समय के साथ वो कम होता जाता है, ये मैं जरूर कहूँगा। अब वैसे तो भगवान की दया से हमेशा से मैं कॉन्फिडेंट रहा हूँ इस मामले में, कभी घबराता नहीं हूँ किसी चीज से जल्दी जल्दी। हाँ, बट एक स्टेज फियर होता है, अब इतना नहीं होता। अच्छा जितेंद्र भाई, कभी आपके साथ स्टेज में कोई ऐसी मूवमेंट हुई है कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए था? नहीं, फिलहाल तो नहीं, ऐसा नहीं। सब कुछ संभाल के रखा, सब संभाल के रखा है। और ऑडियंस की ओर से कभी कोई ऐसी अटपटी डिमांड आई आप दोनों के लिए उस टाइम, मतलब उस चीज के लिए आप तैयार ही नहीं थे, कभी हुआ है ऐसा? मेरे साथ तो एक बार हुआ है, शेयर करेंगे आप हमारे व्यूवर्स के साथ? हाँ, एक बार मैं परफॉर्म कर रहा था, एक बाय चांस ही ऐसा हुआ कि हम दोनों, हमारे पास दो शोज के ऑफर थे तो हम अलग अलग परफॉर्म कर रहे थे। अच्छा। तो वहाँ पे कोई राजस्थानी कपल था बैठा हुआ, हाँ। तो उन्होंने बोला कुछ राजस्थानी गा के सुनाओ। अब फोक थोड़ा राजस्थानी गाना मुश्किल हो जाता, हाँ, हाँ, तो कोशिश की, थोड़ा गाया, उनको बहुत पसंद आया। फिर एक बंदा उठा बीच में से, वो कोई यूपी, तो भोजपुरी गाओ। अच्छा जी। तो वो मैं क्या यार थोड़ा, क्योंकि भोजपुरी गानों के लिरिक्स वगैरह ना थोड़े आजकल ऐसे होते हैं जो आप फैमिली में शायद नहीं गा सकते, तो बस मेरे लिए तो यही एक ऐसा मोमेंट था। पर ऐसे ऐसे होता रहता है स्टेज पे। आपके साथ कोई ऐसा किस्सा? मेरे साथ वैसे तो नहीं, आपके साथ सब कुछ स्मूथ ही होता है? सब कुछ स्मूथ ही, सब कुछ चीजें संभाल के रखनी पड़ती है और मानना पड़ता है कि जो हो रहा है सही हो रहा है। अच्छा। कभी कभार होती रहती है चीजें, अटपटी सी रिक्वेस्ट आ जाती है, आपने नहीं सुनी होती कई बार, या अब सिंगर बेशक है, मतलब आर्ट की कोई भी फॉर्म आप कर रहे हैं तो उस फॉर्म में आपने सब कुछ ही देखा या सब कुछ ही सुना है, वो जरूरी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो कई बार चीजें आउट ऑफ द सिलेबस आ जाती है तो हैंडल करनी पड़ती है। अच्छा, म्यूजिक तो आपकी हॉबी है, इसके अलावा और क्या क्या हॉबीज हैं आप दोनों की? हम दोनों क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। दोनों अच्छा खेलते हैं, ओपनर हैं क्या है, बॉलर अच्छे हैं क्या है? मैं तो बैट्समैन ठीक ठाक हूं। क्रिकेट अच्छा खेल लेते हैं, खेल लेते हैं। तुम तो छोटे ग्राउंड में बहुत खेले होंगे यार। हां खेले हैं। टूर्नामेंट में कहां कहां गए हैं? खेले हैं काफी आसपास, तो लगभग सारा कवर किया। मतलब अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं? नहीं, मेरा उतने अच्छे लेवल पे नहीं, मैं गांव का अच्छा प्लेयर हूँ, ये बाहर के अच्छे जो प्लेयर गांव का अच्छा प्लेयर है ना, क्योंकि गांव के प्लेयर क्या रहता है ना जितेंद्र भाई, वो जहाँ तक मुझे याद है क्योंकि मैं खुद गांव से, तो हम खेतों में खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। खेत होते हैं, मेड़दार खेत होते हैं, हल्का सा ग्राउंड होगा उसमें हम खेलेंगे। अगर वो इंसान उस जगह पे खेल जाएगा ना, वो कहीं भी खेल जाएगा भाई। सही बात, ये चीज तो है। अच्छा, म्यूजिक पे फिर से वापिस आते हैं। आजकल जैसे म्यूजिक निकल रहा है, जैसे हर तरह से म्यूजिक आता है, उस म्यूजिक को, संगीत को कैसे देखते हैं आप दोनों, क्योंकि आप म्यूजिक की फील्ड से हैं, तभी ये सवाल है आपसे।
हर आदमी की सोच म्यूजिक के लिए अलग अलग है. हमारा हम किसी और पर्सपेक्टिव को लेके चलते हैं, जमाना किसी और पर्सपेक्टिव को लेके चलेगा, यूथ किसी और को लेके चलेगा, हम जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमारा कोई और माइंडसेट रहेगा म्यूजिक के लिए. तो ये मेरे हिसाब से तो ये जो चल रहा है वो सही चल रहा है, मतलब बहुत बुरा नहीं है बिल्कुल, ये कह सकते हैं. क्योंकि जो टाइम की डिमांड होती है ना उसको फुलफिल करना ही पड़ता है. Exactly. और नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे. बिल्कुल. हर चीज आप सोलफुल नहीं बना सकते, हर चीज आप बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं बना सकते. तो कॉम्बिनेशन लेके तो चलना ही पड़ेगा. आजकल भी जो चल रहा है वो ठीक है. हाँ, कुछ एक चीजें होती है जो क्रिंच टाइप में आ जाती है, बुरी चलती है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है. बिल्कुल. तो उस पर बहुत चीजें ऐसी है जो अब नेगेटिव चीजें ज्यादा वायरल होती है. बिल्कुल. हाँ, ये चीज ना मैंने बहुत देखी है एक्चुअली, कि यार नेगेटिव चीजें ना बहुत ज्यादा वायरल हो रही है. जो काम की चीजें होगी, काम का कंटेंट होगा, ये बहुत कम लोगों तक जाता है. या आई थिंक लोगों का इंटरेस्ट ही कुछ ऐसा होगा कि उनको देखना ही वही चीज है. मैं ये मानता हूँ कि जमाना ना बहुत फास्ट है. आप अगर अगर अपना फोन खोल रहे हो, कोई भी रील देखने के लिए फोन खोल रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं फन ढूंढ रहे होते हो. आप काम बहुत कर रहे होते हैं बाहर, तो एक रिलैक्स मूड में आके एक फन फन वाली चीज़ आप देखना चाहोगे, तो कहीं ना कहीं आप उसमें अपनी खुशी ढूंढते हैं. तो मेरे हिसाब से लोग इसलिए शायद ज़्यादा इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. अभी सोनू निगम साहब का मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा कि आप सोशल मीडिया पर ना कुछ भी अपलोड कर रहे हो तो ऑडियंस के पास सिर्फ 3 सेकंड होते हैं. सही बात है. 3 सेकंड में मतलब आपके पास क्या है दिखाने के लिए, कि वो 3 सेकंड स्टक कर जाए उनके माइंड में, वो रील वो स्क्रॉल मतलब ना. वही वही बोलना चाह रहा था आपको. हाँ. कि ओवरऑल अगर हम सोसाइटी को देखें ना, तो पेशेंस लेवल सबका बहुत कम हो चुका है. बिल्कुल, ये चीज तो है. सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट में आप देख लो. हाँ. है ना, पेशेंस नहीं है लोगों में. तो ठहराव जिसको हम बोलते हैं ना, एक म्यूजिक में अगर है आपके, तो अब 3 सेकंड की क्लिप है, आपने उसमें ही इम्प्रेस करना है. उस चक्कर में लोग क्या होता है ना, कि ऐसी चीज डाल देते हैं कि वो आई बॉल्स को अट्रैक्ट करें. Exactly. अब उसमें नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव है तो अच्छा है, बट अगर नेगेटिव है तो वो तेजी से वायरल होता है. बिल्कुल. क्यों? क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है. समय नहीं है. समय नहीं है. 3 सेकंड, अगर वो 3 सेकंड में से भी 1 सेकंड उसको पसंद नहीं आ रहा, तो 1 सेकंड में भी ऊपर कर जाएगा उसको. क्योंकि उसके पास कमी नहीं है, भरमार पड़ी है ना. बिल्कुल. इसलिए उस सब में अपने आप को स्टैंड आउट करना अलग से, वो बहुत मुश्किल चीज है. और देखिए, इतना बड़ा हमारा कंट्री है, 140 करोड़ लोग हैं, और हर दिन लगभग आप मान के चलिए कि 1 से 2 लाख गाने इस देश में रिकॉर्ड होते हैं. Exactly. है ना, ये चीजें हैं. तो 1 से 2 लाख गाने जब एक दिन में रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि वो 1 के 1 लाख अच्छे होंगे. हो सकते हैं अच्छे भी हो सकते हैं सारे बेकार भी हो. बिल्कुल. तो कब क्या चलेगा और किसको क्या पसंद आएगा, आपको कुछ नहीं पता. बिल्कुल. बेसिकली आपके हाथ में कुछ नहीं, आपके हाथ में एक ही चीज है कि शिद्दत से अपना काम करते रहो, है ना, मुंह नीचे करके. बस जिसको पसंद आता है वो पसंद आता है, और जिसको नहीं आता उसको भी हाथ जोड़ो, बात करते. ऐसे कभी नेगेटिव कमेंट्स भी आते होंगे आपके वीडियोस पे, उनको कैसे टैकल करते हैं? मैं अभी तक, ये तो भगवान की दया रही है कि 2 वीडियोस हमने अभी तक डाली हैं, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया. अच्छा. क्योंकि दोनों गाने हमारे लोगों को बहुत पसंद आए. बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे होंगे सोशल मीडिया में, कुछ उनको ऐसे कमेंट्स आते होंगे, तो वो कैसे डील करें, क्या आप टिप्स देंगे उन्हें नेगेटिव कमेंट से? इग्नोर. सबसे बड़ी टिप तो यही है, आप सबसे जाके नहीं लड़ सकते, एक आधे से तो लड़ सकते हैं. हाँ. जो नेगेटिव कमेंट कर रहा है, क्योंकि किसी अगर वो नेगेटिव कर रहा है, तो जब वो कुछ डालेगा तो उसको भी तो आएंगे ना. तो ये तो वो है. हाँ, एक बात और भी है ना, अगर आपने नेगेटिव कमेंट का रिप्लाई कर दिया, वो फिर से कमेंट करेगा, है ना. वही बात है, कितने से बहस ये जो नेगेटिव करने वाले लोग होते हैं ना, ये खुद कुछ नहीं कर रहे होते. हाँ, exactly, मतलब जो कर रहा होता है ना उसके पीछे ही पड़े होते हैं. हाँ, तभी पीयूष भाई ने कहा कि और अगर करते मेहनत करते नहीं, और अगर उनका कंस्ट्रक्टिव है ना, वो आपका वो मतलब आपको क्रिटिसाइज जो कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिव है, कि वो आपका भला चाहते हैं, तो उसको अच्छी तरह से लेंगे. पर आपको पता है कि जो चीज नहीं है फिर भी वो उसको बोल रहे हैं, तो उसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाता, तो बोल दे यार. बिल्कुल. अच्छा, एक सवाल और आ गया आपकी बातों से ही, क्योंकि जो स्ट्रिंग एंड सॉल्ट की टीम है ये हिमाचल से ही है, और आपके चैनल में एक भी पहाड़ी गाना नहीं है. कोई रीजन? नहीं, ऐसा खास कोई रीजन नहीं है कि हमें पहाड़ी पसंद नहीं आया, हम करना नहीं चाहते. और वही मैं आपको बोला था ना, अभी तक शायद वो यूरेका मोमेंट आया नहीं है जिसको हम करना चाहते हैं. अब जिस दिन आ जाएगा कर लेंगे, कोई ऐसा वो नहीं है कि नहीं करना चाहते. हाँ, बट ओवरऑल अगर हम बात करें, तो हम जैसे स्टेज परफॉर्मेंसेस भी करते हैं, तो हमारा मेन जो है ना हिंदी पे रहता है, क्योंकि हम पूरे इंडिया में परफॉर्म करते हैं. बिल्कुल. अभी अभी हम 2 दिन पहले अमृतसर से वापस आए हैं. कुछ दिन बाद हमने जबलपुर जाना है, मध्य प्रदेश में. ओके. तो
हमारी कुछ ऑडियंस ऐसी है और हमारा काम ऐसा है कि हमें हिंदी ज़्यादा करना पड़ता है, तो कर करके उसका अभ्यास हो चुका है। अच्छा जितेंद्र भाई, पूरे इंडिया में आप शोज करते हैं, सबसे ज़्यादा ऑडियंस कहाँ की अच्छी लगी आपको? मतलब आपको लगा हो कि नहीं यार ये बेस्ट है? सबसे ज़्यादा ऑडियंस अच्छी मुंबई की होती है। कैसे? अच्छा सुनते हैं लोग। तो आप दोनों की जो जोड़ी है वो बॉलीवुड में तैयारी में है या क्या करना है अभी? हमारी कोशिश तो नहीं रहेगी वैसे बॉलीवुड के, ऐसा क्यों? अपने लेवल पर ही चीज़ें सारी करना चाहते हैं बस, वैसे ये तो खाली मानना है अपना, बाकी अगर कभी मौका मिलेगा तो छोड़ेंगे तो नहीं वैसे भी। हाँ, ये बात मौका मिलेगा तो छोड़ेंगे तो नहीं। और आपके कौन से फेवरेट सिंगर कौन से आपके बॉलीवुड के, सबसे पहले बॉलीवुड या हॉलीवुड जो भी हो सकते हैं? देखो एरास का फर्क है, एक एक एरा में नहीं, एक ऐसा नहीं जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये अच्छे हैं, तो पुराने एरा से रफी जी, लता जी, बिल्कुल इस एरा में अगर बोलूँ तो सोनू निगम जी, और अब बिल्कुल सुपर मॉडर्न में आ जाएं तो जावेद अली अरिजीत सिंह। जावेद अली अरिजीत सिंह। हाँ, अगर आज के दौर के सिंगर के साथ आपको सिंगिंग करने का मौका मिले स्पेशली आपको, तो आप किसे चूज करेंगे, किसके साथ गाना पसंद? मैं सोनू निगम जी के साथ। और आप? मैं सोनू निगम, अरिजीत सिंह दोनों के साथ। अरिजीत और सोनू निगम दोनों के साथ। चलिए आप जरूर आप मेहनत करते रहिए, वो चीज़ें आपके साथ चलती रहेगी। आपके प्रोफेशन की ओर भी हम थोड़ा रुख करते हैं, आपने बताया कि आप एकेडमी भी ऑलरेडी चला रहे हैं सोलन में, थोड़ा उस एकेडमी के बारे में बताएं, किस तरह के कोर्सेज आप चला रहे हैं, स्टूडेंट्स को क्या कुछ बेनिफिट्स हैं उसमें? अभी यहाँ पे एकेडमी हमने हाल फिलहाल ही शुरू की है, 1 तारीख से शुरू किया है, स्ट्रिंग एंड सोल नाम से ही है, कोटला नाला में हमारी एकेडमी है। तो हम अभी गिटार सिखा रहे हैं, वोकल्स है और कीबोर्ड है। अच्छा, इन तीन चीज़ों को हम लोग सिखा रहे हैं अभी, तो कोई भी इंटरेस्टेड हो वो आ सकता है। बिल्कुल लिसनर्स व्यूवर्स, अगर आप गायकी में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आप इनको ज्वाइन करें, क्योंकि अभी तो एक परफॉर्मेंस आपने इनकी देख ली है, अभी एक और भी आप देखने वाले हैं। भैया आपका एक और गाना बड़ा फेमस हो रहा है, उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आ गए आपको, पहाड़ों वाली लड़की, उसके पीछे कहानी क्या है? मतलब ये रियल में है या वो स्क्रिप्टिंग है? इनके रियल लाइफ आपकी रियल लाइफ है? नहीं नहीं, जितेंद्र भाई के साथ बहुत रियल लाइफ नहीं है वो, एक्चुअली हम आर्टिस्ट पता कैसे होते हैं, हम ख्वाबों में ज़्यादा जीते हैं। हाँ, तो मैं ये मानता हूँ कि ख्वाब देखने की शक्ति हमारी थोड़ी सी ज्यादा होती है, थोड़ी सी ज्यादा इमेजिनेशन पावर, इमेजिनेशन पावर हम लोग थोड़ा ज्यादा लेके पैदा होते हैं। तो फिर उसी के साथ जीते, फिर हम सोचते हैं कि ऐसा हो तो ऐसा क्या हो सकता है, क्या बात है? ऐसा हुआ तो इसके आगे ऐसा हो तो फिर क्या होगा, तो ये गाना कुछ उसी तरह बना था। हालांकि पर होता सभी के साथ, हम लोग क्या होते हैं ना, हम दोस्त लोग होते हैं, कई बार जाते हैं कहीं पे घूमने जाते हैं, आपके साथ भी होगा, दिख जाता है कोई ना कोई खूबसूरती तो हर जगह है। एग्जैक्टली अब ये थोड़ा सा पहाड़ों वाली के लिए हो गया तो कोई बात नहीं, बांध सब सकते इसको। ये तो है, तो जाते तो कई बार कुछ कुछ चीजें दिख जाती है, कुछ कुछ लोग ऐसे दिख जाते हैं हमारे को कि नजरें अटक जाती है जिनमें। बिल्कुल, ये तो होता है। तो ये लड़कों के लिए भी हो सकता है, लड़कियों के लिए भी हो सकता है। तो ये गाना उसी प्रोस्पेक्टिव को लेकर था कि उसी उसी उसमें आगे बढ़े हम लोग। बहुत शानदार वो आपका गाना है, और चंद लाइन हो जाए अभी। खुली खुली जुल्फें, बिखरे बिखरे बाल, आसमां से आई है क्या, लगे है कमाल, जादू है उसकी नजरें, हम भी थोड़ा पागल हो गए, लड़की है या है वो बवाल, पहाड़ों वाली लड़की, वो पहाड़ों वाली लड़की, दिल में मेरे अटक गई, वो पहाड़ों वाली लड़की, पहाड़ों वाली लड़की, वो पहाड़ों वाली लड़की, दिल में मेरे अटक गई, वो पहाड़ों वाली लड़की। अच्छा, आजकल का दौर पता कैसा है, मतलब फैशन की ज्यादा हो गया आजकल ना, तो फिर भी हम लोग क्या मानते हैं ना कि सादगी जो होती है ना वो सबसे ज्यादा खूबसूरती को निखार के लेके आती है, हमारे यहाँ की सादगी तो होगी, थोड़ी सी बिंदी होगी माथे पे, बाकी चीजें आप समझ जाए। बाबरा कर गई माथे की बिंदिया, लूट के ले गई आंखों से निंदिया, बाबरा कर गई माथे की बिंदिया, लूट के ले गई आंखों से निंदिया, कैसे बताऊं उसको, कैसे समझाऊं यारों, हाल न जाने वो इस पागल दिल का, पहाड़ों वाली लड़की, वो पहाड़ों वाली लड़की,
में मेरे अटक गई वो पहाड़ों वाली लड़की। सच में दिल में अटक गई। बड़ी खूबसूरती से इस गाने को आप लोगों ने गाया है, लिखा है। ये गाना सोलन में शूट हुआ है या कहीं बाहर? ये गाना हमने राजगढ़ में, कुछ सोलन में हुआ है, कुछ राजगढ़ में हुआ, कुछ शिमला में भी हुआ, कुछ शिमला मतलब सोलन में कुछ इसके नहीं, कुछ पार्ट्स हैं सोलन में भी, रेलवे स्टेशन। हाँ, पहला सीन आई थिंक रेलवे स्टेशन का ही था वो, सोलन में हुआ था। हाँ, तभी मैंने पूछा वो सवाल। अच्छा, एक सवाल और भी है कि जैसे पहाड़ी संगीत की फिर से हम बात करें आपसे, तो उम्मीद करें आपसे कि आने वाले टाइम में जो बिल्कुल बिल्कुल पहाड़ी गानों कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। शायद एक दो गाने हमारे बहुत जल्द भी आ जाए पहाड़ी गाने। क्या बात है। तो हमारी जितनी ऑडियंस पहाड़ी है वो जरूर स्ट्रिंग एंड सॉल्ट की टीम से उम्मीद करें कि वो जल्द ही आपके लिए पहाड़ी कंटेंट लेकर आने वाले हैं, पहाड़ी गाने लेकर आने वाले और नचाने वाले हैं अच्छे से। क्या बात है। बिल्कुल, आजकल पहाड़ी नाटीज बहुत चलती है, तो कभी उनकी तरफ ध्यान चल रहा है आपका कि यार ऐसे कुछ नॉन स्टॉप होना चाहिए? नहीं, हम सुनते तो काफी है वैसे। मजा आता है? नहीं, हाँ, बिल्कुल मजा आता है ना? ये तो हमारी रूट्स हैं। हाँ, अपनी जो जड़े हैं उनको तो पैर थिरकते तो नाटी पे है ना, और कोई तो ब्रेक डांस तो हम कर नहीं पाते। ये बात है। अच्छा, ब्रेक डांस से मुझे याद आया कि जब आप बाहर जाते हैं ना शोज के लिए, हिमाचल से बाहर, तो आती है पहाड़ी गानों की रिक्वेस्ट कि भाई नाटी हो जाए, गाना हो जाए? आती है, हाँ, आती है। बिल्कुल। हाँ, बट फिर हम कोशिश करते हैं कि वहाँ ठेठ ऐसा ना सुनाए कि जो उनको उनको समझ ना आए। बट हमारे देखिए, हिमाचल का फोक अपने आप में इतना रिच, इतना डाइवर्सिफाइड है ना। एग्जैक्टली, अपर हिमाचल किन्नौरी म्यूजिक से लेके आप कांगड़ा के लोअर बर्ड्स तक चले जाए, हर जगह का अपना एक अलग संगीत का फ्लेवर है। बिल्कुल, आप कुछ भी हल्का सा छेड़ दीजिए तो वो पूरा हिमाचल का रंग भर देता है। सही बात है, ये बात वो चीज है। ये चीजें तो बिल्कुल सही कही आपने। और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं आप लोगों के म्यूजिक में? अभी हमारा अप्रैल में एक गाना आने वाला है, भाई ने लिखा है। क्या बात है, बहुत अच्छा। अभी डिलीवरी तो नहीं करने वाले उसको? अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हमारा वो गाना रिलीज समझ सकते हैं तो थोड़ा कॉपीराइट का इशू रहते हैं। हां, नहीं, तो भाई ने लिखा है, उन्हीं की कंपोजिशन है, हम दोनों ने गाया है, तो वो बस हमारा तीसरा प्रोजेक्ट होगा। अच्छा, हां जी। तो आप दोनों की ही टीम है या बाकी जो और टीम में भी आपके साथ लोग हैं, जैसे शूट पे जाना, पूरा एक डायरेक्शन का काम आप दोनों ही करते हैं? नहीं, वो हायर्ड टीम रहती है सारी। हायर्ड टीम प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट किस तरह का है। एक गाना तैयार करने में कितना वक्त लग जाता है? ऑडियो तैयार करने में ऑलमोस्ट एक महीना तो आराम से लगता है। इतना टाइम लग जाता है? जी, जिस डिटेल में हम लोग काम करते हैं, वैसे करने को तो आप एक दिन में भी कर लो, बट वो है कि फिर वो बात नहीं आती। हम तो ओरिजिनल देना है, वो खुद का देना है तो उसका देना है तो उसमें टाइम तो लगेगा, समय तो लगता है। और स्क्रैच से कोई चीज बनानी, उसको रिकॉर्ड करना, उसमें म्यूजिक के एलिमेंट्स जोड़ना, कैसा साउंड कर रहा है वो, उसको देखना, तो काफी चीज है। ओके, सो मन तो यही है कि आपसे सवाल करते जाएं, बट अभी थोड़ा समय का भी अभाव है। क्या कुछ मैसेज है आपका हमारे व्यूअर्स, हमारे लिसनर्स के लिए, क्या कुछ कहेंगे आप? मेरी तरफ से मैसेज तो यही रहेगा कि कल के ऊपर कुछ मत टांगना। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं, आप राइटर बनना चाहते हैं, आप आर्ट की किसी भी फॉर्म को करना चाहते हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई में आगे कुछ करना चाहते हैं, तो उसको आज से ही शुरू कीजिए, कल के ऊपर कुछ मत थोपिए। बिल्कुल। और आपका? बिल्कुल भाई की बात से भी अग्री करता हूँ। हाँ। और एक ही लाइफ मिली है, ठीक है ना, एंजॉय करो, एंजॉय करो और अपने पैशन को फॉलो करो। क्या, ये जरूरी है। ये अगला जन्म और ये वो सब अभी फिलहाल तो क्योंकि हुए नहीं है, हमारे को भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, होगा या नहीं होगा कुछ नहीं पता, किसने क्या करना है, तो यही अगर लाइफ है ना तो जो करना है फिर कर डालो, किस चीज की वेट करनी है। दिन एक एक दिन करके तो बड़े ही हो रहे हैं, छोटे तो हो नहीं रहे। एग्जैक्टली, लाइफ तो आगे बढ़ी रही है। बड़ा सॉलिड सा और बड़ा पॉजिटिव सा आपने अपनी पर्सनैलिटी से हटके मैसेज दिया है। वैसे आपको कैसी लगी मेरी पर्सनैलिटी? थोड़ा होता है ना कि हाँ, आज के यूथ को देखते हुए, और आपने मैसेज दिया कि जैसे कोई 60-65 साल के कोई बुजुर्ग है। हाँ, सीरियस किया मैसेज, मैं खुद मतलब इतना नहीं, वो मैं इसलिए क्योंकि मैं देखो जितेंद्र भाई इस चीज को बोलेंगे, मैं अपनी लाइफ से जो बोल रहा हूँ वो कर रहा हूँ कि एक सेटल्ड उसमें रहना ना बहुत आसान होता है, 9 to 5 है, चलो कर लिया, बिजनेस है, पैसा आ रहा है, सुबह उठकर सूट, पर एक स्ट्रगल में जो मजा है ना, वो चीज सबको एक बार ना लाइफ में स्ट्रगल का मजा चखना चाहिए। एग्जैक्टली, हाँ, क्योंकि जो स्ट्रगल का टाइम होता है ना पीयूष भाई, वो इंसान कभी भूलता नहीं है। खुशी के लम्हे शायद हो सकता है कि हमारे दिमाग से निकल जाए, पर वो स्ट्रगल का टाइम इंसान वो जो खुशी आती है ना स्ट्रगल के बाद, आपको इतना सा भी कॉम्प्लीमेंट मिल जाए ना, हाँ जी, तो ऐसा लगता है कि यार जो इतना टाइम हम
खाली पेट तो खैर भगवान ने भी ऐसा मौका नहीं दिया कि खाली, पर मतलब रातों को नींद नहीं आती थी ऐसा तो देखा है ना, तो वो सब भूल जाता है बंदा कि यार चलो इसी के लिए किया था। अच्छा, तो अभी जो आप लोग कर रहे हैं सेटिस्फाइड है उससे? बिल्कुल, आप उसको कितना मान के चल रहे हो कितना नहीं मान के चल रहे हो। ये बिल्कुल अच्छे मैसेज आप दोनों ने दिए हैं, और फिर कभी मुलाकात होगी आपसे किसी और प्रोग्राम में। आ जाओ हमारी एकेडमी किसी दिन, जरूर आप तो विजिट करेंगे और आएंगे, वहाँ भी आपके स्टूडेंट से हम बात करने वाले हैं कि जो आपके सर हैं किस तरह से। मोस्ट वेलकम, हां आपको इनवाइट करते हैं फॉर्मली सबके सामने। बिल्कुल आएंगे। और लिसनर्स 92.4 मेगाहर्ट्ज भी आपसे अपील जरूर करेगा कि अगर आप में से कोई सिंगिंग में इंटरेस्ट रखता है तो जरूर आप कोटला नाला में, बहुत जबरदस्त आपको ये गायकी के क्षेत्र में आगे लेकर आएंगे। आप जरूर इस अकेडमी को ज्वाइन करें। आप भी बोल दीजिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमने करवा दिया। तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे दोनों पे हम प्रेजेंट हैं, आप हमारे गाने सुनिए। हम अपने जो परफॉर्म करते हैं थ्रू आउट इंडिया उसकी छोटी क्लिप्स भी अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करते रहते हैं, आप लोग फॉलो करेंगे तो अच्छा लगेगा। हमारा म्यूजिक अच्छा लगे तो हमारे को एक थम्स अप और लाइक जरूर दें। बाकी अनिल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें यहाँ बुलाया क्योंकि हम अभी तो ग्रो कर रहे हैं, कोई अब हम तो खुद को ये भी नहीं बोल सकते कि हम मतलब इस फील्ड में आगे बढ़ चुके हैं, अभी तो हम काम कर रहे हैं आगे बढ़ने की और अग्रसर हैं, और ऐसे में भाई ने बुलाया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष भाई, आप जो भी काम कर रहे हो ना, मतलब एक परफेक्शन के साथ कर रहे हो, बड़ा जबरदस्त कर रहे हो। आपने दो अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाई सुनाई, मजा आया, मतलब दिल से मन करा कि और सुनना चाहिए, और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको भी मजा आया है। वो बताने वाले हैं अपने फीडबैक्स के थ्रू रेडियो के माध्यम से, जब वो सुनेंगे वो बताएंगे कि हाँ यार रेडियो में हमने सुना था कुछ। सो थैंक यू सो मच गाइस आपके टाइम के लिए, धन्यवाद। सो व्यूवर्स लिसनर्स, ये था हमारा आज का स्पेशल पॉडकास्ट जिसमें हमारे साथ जुड़े थे स्ट्रिंग्स एंड सोल टीम से पीयूष और जितेंद्र भाई, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई है क्या कुछ वो कर रहे हैं। और अभी यूट्यूब पर इनका एक गाना है पहाड़ों वाली लड़की, वो काफ़ी धमाल मचा रहा है। आप ज़रूर इस चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब भी करें। के लिए दीजिए अपने रेडियो दोस्त अनिल को इजाज़त। शब्बा खैर।